हेलो एवरीवन, लेकिन और यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एसएससी सीजीएल 2022 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। चलिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूं डिटेल में क्या क्या आप सभी लोगों को लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से ऐड हो सकते हैं अगर आप सभी लोग अभी तक ऐड नहीं है तो, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एफ एन नंबर 04/9/2023, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ ऑल पोस्ट सर्कल सब्जेक्ट डीवी एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड टू द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीजीएल एग्जामिनेशन 2022। यानी कि ये जो लेटर आया है ये डीवी के लिए आया है, जिन बच्चों के लिए जो पी ए एंड एस ए के लिए सिलेक्ट हुए थे किस एग्ज़ाम से, सी जी एल के एग्ज़ाम से। आप लोग देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ सी जी एल 2022। जो है कि 2022 का एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट 13 मई 2023 को जारी किया गया था। और अगर देखा जाए तो जो है कि इसमें जो भी बच्चे क्वालिफाइड किए थे पी ए एंड एस ए के पोस्ट पर, उनका जो है कि सर्कल बहुत जल्दी आएगा। एंड इन दिस कनेक्शन इट इज़ पेनिट्रेटिंग द मेंशन डी वी विल बी डन बाय द अपॉइंटिंग डिवीज़न यूनिट इन एडवांस विद द प्रोविजनल ऑफ नोटिस एग्जामिनेशन एंड सब्सक्रिप्ट्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द डेट वाइज लिस्ट डिटरमिन, जिसमें ये बता रहा है कि जो डेट वाइज डेट है सभी स्टेट का, वो जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर शो करेगा, ठीक है। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिटेड द कैंडिडेट डी वी इन द मैंशन इन द रिलेवेंट पैरा ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि जो आप सभी लोगों का जो डीवी है वो जो है कि वहाँ पर नोटिस एग्जामिनेशन में शो करेगा। एंड देन आगे हम लोग बात करते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन इन सोल वेरीफाई फॉलोइंग। आप लोगों को ये सभी चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यानी कि जो आप सभी लोगों का मेट्रिक में फादर नेम वगैरह है वो सभी लोगों को डिटेल में चेक करके डालना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन पर सही साथ डालना जो आपका मेट्रिक में हो है, नहीं तो आप सभी लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो आप सभी लोगों को इसमें डालना है, ठीक है। फॉर्म के टाइम जो आप सभी लोगों के एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो यहाँ पर पुट करना, अगर आप लोग वो नहीं डालते हैं तो आप सभी लोगों का कैंसिल हो जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट प्रोपोजिंग डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड थ्रू द ओपन एंड डिस्टेंस लोन मोड ऑफ एजुकेशन द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी में वेरीफाइड अप्रूवल गिवन अ यूनिवर्सिटी बाय द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। यानी कि जिन बच्चों ने डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो उनका जो है कि वहाँ से लेटर होना चाहिए, तभी वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो उसके लिए आप लोग के पास नोटिस होना चाहिए। जिन बच्चों ने एससी एसटी और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट लगाया था उनका जो है कि एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड देन जिन बच्चों ने अपना ईडब्ल्यूएस का लगाया था उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए जब फॉर्म आया था उसके कुछ दिन पहले का, ठीक है। इन द केस ऑफ ईएसएम वाले का भी, एक सर्विस मैन वाले का भी यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। और हम लोग आगे नीचे देखते हैं कैंडिडेट रिजल्ट रैंक कैटेगरी एक्सेट्रा में भी वेरीफाइड विद द रिजल्ट अवेलेबल ऑन द कम्युनिकेशन वेबसाइट। यानी कि आप सभी लोगों का जो रिजल्ट आया हो उसका भी आप लोग को यहाँ पर एक फोटो डाल देना है, फोटो सिग्नेचर, एलटीआई एंड हैंड राइटिंग टेकन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि जो आप सभी लोगों ने फोटो सिग्नेचर किया था उसका प्रॉपर वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सर कैंडिडेचुअल सेल भी कैंसल्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आप सभी लोग अगर डीवी में फेल होते हैं तो आप लोग को वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। सर्कल्स एंड रिक्वेस्टेड ऑफ द सेंटनाइज इन अपोर्टिंग द अथॉरिटी ऑफ फॉलो इन द एंड। और जो भी आप सभी लोग इसमें जो गाइडलाइंस दिए हैं आप सभी लोगों को पूरा फिलफिल करके ही लेके जाना है, ठीक है। योर फेथफुल, यहाँ पर साइन दे सकते हैं आप लोग, दिलीप सिंह सेंगर, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एसपीएम, ठीक है। तो मैंने आप सभी लोग को बता दिया ये डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों को बनवा लेना है। और जो है कि आप सभी लोगों का स्टेट वाइज डीवी का डेट जो है कि 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग हमारे से ऐड रहे हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले, जिन्हें बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जो है कि हर एक अपडेट की वीडियो आए तो आप सभी लोगों के पास पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।